नमस्कार दोस्तों, मैं काजी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विद्या में। सो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड और टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आप सबसे पहले आपको वीडियोस एंड नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम लोग जानने वाले कि UPSC एग्ज़ाम क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, तीन चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात जान लेते हैं हम लोग UPSC क्या है, राइट। UPSC का एग्ज़ाम्स क्या है, राइट। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कॉन्डक्ट करवाती है, डिफरेंट रिक्रूटमेंट जो होती रहती है उस रिक्रूटमेंट के लिए जो UPSC है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कॉन्डक्ट करवाती है। सो ये नेशनल एग्ज़ाम है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम बोली जाती है इसको, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो टॉप 5 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन इंडिया। सो टॉप 5 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया में UPSC जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो भी मौजूद है, राइट, वो भी इंक्लूडेड है। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एंड इसमें जो IAS IPS एग्जामिनेशन होती है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये था छोटा सा कि क्या है UPSC एग्ज़ाम क्या है, राइट। सो अब हम लोग जान लेते हैं कि UPSC एग्ज़ाम का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका प्रोसीड्यूर क्या क्या है, ठीक है। उसका कितनी फेजेस है एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो प्रोसीड्यूर है वो 3 टाइप्स में होती है। सो पेपर 1, पेपर 2 एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब 3 प्रोसीड्यूर रहती है, राइट। सो पेपर 1 में क्या होती है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स रहती है जिसमें जनरल पेपर 1 और जनरल पेपर 2 दोनों एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में रहती है, ठीक है। जिसको कॉमनली CSAT भी बोलता है, ठीक है। पेपर 2 जो है वो मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन में आपका टोटल 9 पेपर्स रहती है एंड सब 9 का 9 ही ईजी राइटिंग्स रहती है, मतलब 9 में से जो 2 ईजी राइटिंग है, जो 2 मेन में जो 2 एग्जाम्स है उसको आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जो 7 एग्जाम है उसका जो मार्क्स है सिर्फ काउंटिंग होती है फॉलोड बाई पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जो थर्ड चीज़ जो हम लोग जानने वाले हैं वो है कि आप सपोज आप एग्ज़ाम देने वाले हैं UPSC का एग्ज़ाम, राइट। सो आप क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग थोड़ी ब्रीफली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिटीजनशिप के लिए। सो IAS और IPS एग्जाम्स जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही दे सकते हैं, राइट। सो अदर देन इंडियन सिटीजन्स कोई दे नहीं सकता है। नंबर 2 जो अदर सिविल सर्विसेज है अपार्ट फ्रॉम IAS एंड IPS, तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया दे सकते हैं, सिटीजन ऑफ नेपाल दे सकते हैं, सिटीजन ऑफ भूटान दे सकते हो, राइट। और एक क्राइटेरिया है जो दे सकता है वो है नंबर 4 जो दे सकता है वो है पर्सन फ्रॉम इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केनिया, उगेंडा, तंजानिया, जम्बिया, ठीक है, इथोपिया, वियतनाम, सो विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अगर ये सब कंट्रीज में अगर कोई पर्सन आती है इंडियन ओरिजिन के है एंड वो लोग अगर आता है यहाँ पर, सबसे पहले बात हम लोग जान लेते हैं कि IAS एंड IPS जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन दे सकते हो, राइट। एंड जो अदर सिविल सर्विसेज है वो इंडिया, नेपाल एंड भूटान एंड जो कंट्रीज मैंने बताया, अगर इंटेंशन है उन लोगों का कि इंडियन सिटीजनशिप का अगर इंटेंशिप है कि लेना है तो वो लोग एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। सो ये था सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंडर जो सिटीजनशिप है उसके क्राइटेरिया। अब इसको हम लोग अब एजुकेशन के बारे में आ जाते हैं, क्या 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 एजुकेशन लगेगी आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। सो डिग्री फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर कॉरस्पेंडेंस डिस्टेंस एजुकेशन का डिग्री है या ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री है तो भी चलेगा। ए डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, अगर आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी का डिग्री है लेकिन अगर वो डिग्री एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं आती है तो आपको आप नहीं बैठ सकते एग्ज़ाम में। अब हम लोग आते हैं एज ग्रुप, कौन कौन सी एज ग्रुप ये एग्ज़ाम दे सकता है। सो 21 से 37 तक जितनी जिसका एज है वही सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकता है, UPSC का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। अब इसका सापर्स क्या क्या है उसको मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। सो जो मिनिमम एज होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट वो है 21 एंड जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 35, ठीक है, सॉरी 32। अब हम लोग आते हैं फॉर OBC कैंडिडेट्स, सो OBC कैंडिडेट्स को जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर भी 21 है
एंड जो मैक्सिमम एज है वो है 35, ठीक है। और जो एससी एसटी का मिनिमम एज होना चाहिए वो भी मिनिमम एज 21 है एंड मैक्सिमम एज 37 है, ठीक है। फिजिकली डिसेबल्ड है उसका लिए एज कोई फैक्टर नहीं है, एज उसको रिलैक्सेशन मिल गई है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है। सो जो यहाँ पर जो तीनों चीज़ जो निकल के आ रही है वो है जो मिनिमम एज है, आप जिस कैटेगरी जिस कास्ट का भी हो आपको मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है उसमें डिफरेंस है फॉर जनरल। सो अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है तो आप जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है 6 बार दे सकते हैं, ठीक है। सो इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर सपोज मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, आप एग्जाम में नहीं बैठे, सो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं होगी। सो फॉर जनरल स्टूडेंट्स आप 6 टाइम दे सकते हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो 9 बार दे सकती है, एंड जो एससी एसटी है उसका अनलिमिटेड जितनी मर्जी वो दे सकती है, दे सकते हो, राइट। सो जनरल कैंडिडेट्स 6 बार दे सकता है, ओबीसी 9 बार दे सकता है, एससी एसटी अनलिमिटेड दे सकता है। सो आई होप आपको मैंने सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, राइट। यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीड्योर क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।